इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब जीके पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा कमल, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा रेफलेसिया, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा गुलदाउदी, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफलेसिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा बांस, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा दूब, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा फैलेरिस माइनर, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग कितने रुपए लगे। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा लगभग 2000 करोड़ रुपए, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 5000 करोड़ रुपए, एंड लगभग 3000 करोड़ रुपए, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा लगभग 1000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 3000 करोड़ रुपए लगे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा हाथी, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लू व्हेल, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा डायनासोर, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा गैंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल का दिल जो होता है वो कार जितना बड़ा होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा बुध को कहा जाता है, या ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है, या ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति को कहा जाता है, या ऑप्शन डी हो जाएगा मंगल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल को कहा जाता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।